हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सबको चलन। दोस्तों, रियलमी कंपनी अपना एक नया स्मार्टफोन 23 अगस्त को लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होने वाला है रियलमी C21Y। इस स्मार्टफोन को 7,000 से 8,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप इस टाइम पर नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो इस स्मार्टफोन को आप जरूर से वेट कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलेगी, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, सब कुछ ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस, सबसे पहले इस स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन हमें रियलमी सी सीरीज में मिलने वाले और स्मार्टफोन जैसा ही देखने को मिलता है, जहां पर इसके बैक में डायमंड शेप वाला पॉलीकार्बोनेट बैक, स्क्वायर शेप कैमरा हाउसिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहां पर हमें 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच में आने वाला है। तो यहां पर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और डिजाइन में इतने कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलते, वहीं सेम डिजाइन रियलमी ने दोबारा से रिपीट कर दिया है। नाउ बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के सबसे मेन हाईलाइट फीचर इसके प्रोसेसर की। तो इस स्मार्टफोन में हमें यूनिसॉक T610 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी हां, ये वही प्रोसेसर जो भी हाल ही में माइक्रोमैक्स N2 भी में देखने को मिला था। ये चिपसेट 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, इस पर आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। साथ ही डेली यूसेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए ये स्मार्टफोन काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरियंट की, तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन में हमें LPDDR4X रैम विद EMMC 5.1 वाले स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी, जिसमें की 4+64GB सिंगल वेरियंट होने वाला है। साथ ही इस स्मार्टफोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसमें की 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 विद रियलमी UI पर रन करेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 13 MP का प्राइमरी लेंस होने वाला है, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। वहीं इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो यहाँ पर बजट के अकॉर्डिंग हमें कैमरा इसमें ठीक ठाक मिल जाते हैं। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको कि आप 10W के चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। और इसमें हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट, माइक्रो USB, 3.5mm हेडफोन जैक, रियर साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाएंगे। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन को कंपनी 8,000 की प्राइस के आसपास में लॉन्च करने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस 7,999 रुपीज हो सकती है। तो 8,000 की प्राइस में काफी अच्छा फोन रहने वाला है, जिसमें कि आप ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग वगैरह, वीडियो वॉच और अगर आप इस पर गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो भी आप इस पर कर सकते हैं। वहीं ये सेम स्पेक्स हमें माइक्रोमैक्स N2 भी में देखने को मिलती है, जो कि 8,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया था, बट अब उसकी प्राइस बढ़ाकर 8,500 रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पर रियलमी C21Y अगर 8,000 की प्राइस में लॉन्च होता है तो ये काफी अच्छा फोन रहेगा। इससे ज्यादा प्राइस में आप माइक्रोमैक्स N2 भी ले लेंगे तो काफी सही रहेगा। वहां पर हमें स्टॉक एंड्रॉइड USB Type-C का पोर्ट वगैरह देखने को मिलता है। वहीं आपकी क्या है राय रियलमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, बताने नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।